कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हमारे यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि सर्दियों में होता है, बिल्कुल जब सर्दी अच्छी शुरू हो जाती है तब धूप निकल रही है, बहुत ही मामूली सी धूप निकल रही है। बस ये है कि ऐसा लग रहा है कि धूप निकल रही है लेकिन बहुत ही मामूली सी धूप है। और आज दिन में भी हल्की सी ठंड लग रही है। ये अब ऐसा है कि गरम कपड़े जल्दी निकालने पड़ेंगे, गरम सूट स्वेटर और हल्के वाले जो शॉल होते हैं वो तो हमने निकाल लिए हैं, सुबह शाम में तो पहनने ही पड़ते हैं। लेकिन आज दिन में भी थोड़ी सी ठंड लग रही है क्योंकि धूप बहुत कम है इस बार, ठंड बहुत जल्दी आ गई, वरना करवा चौथ पर इतनी ठंड नहीं होती थी। और आज मुझे बनाना है मलाई से घी। तो ये मलाई हो रखी है मेरी, ये देखिए डोंगा भर गया है। तो मैंने इसे एक दो घंटा पहले फ्रिज में से निकाल के रख दिया था, अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, अब ठंडी नहीं रही, हल्की सी ठंडी है, इससे अब आराम से घी बन जाएगा। तो इसका आज मुझे घी बनाना है तो इसका बनाऊंगी घी। लेकिन अभी टाइम हो गया है खाने का, मुझे लग रही है भूख, तो मैं खाऊंगी खाना। और आज हमारा खाना सुबह में बहुत जल्दी बन गया था क्योंकि आज ये दोपहर में खाना खाने नहीं आने वाले, आज ये सुबह में ही अपना टिफिन लेके गए हैं, तो आज सुबह में भी खाना बना लिया था। और आज कृष्णा भी इनके साथ दुकान पर गया है क्योंकि त्योहार है, थोड़ा सा काम भी ज्यादा होता है तो इसलिए आज आने वाले भी नहीं है, और कृष्णा को साथ लेके गए हैं। तो आज मैंने सुबह में गाजर आलू की सब्जी बनाई थी, तो अभी थोड़ी सी रोटियां मुझे गर्म करनी पड़ेंगी, मैंने भी अपने लिए सुबह में ही बना ली थी, फिर मैं अपने लिए क्या अलग से रोटियां बनाती तभी बना ली थी। तो अभी भूख लग रही है तो मैं अपने लिए रोटी गर्म करती हूँ और पहले खाती हूँ खाना, आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। और मैं अपना खाना गर्म करके ले आई हूँ, देख लीजिए, और साथ में बना ली है मैंने चाय क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंड सी भी लग रही थी, तो मैंने चाय बना ली। ये है गाजर आलू की सब्जी, और रोटी गरम कर ली और चाय बना ली। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ में खाना। तो चलिए मैं अभी खाना खा लेती हूँ पहले, फिर वरना मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, और ठंडी चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं गर्म गर्म चाय पीती हूँ। और मैं बना रही थी जो मैंने आपको दिखाई थी मलाई, मलाई से घी, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया मेरा सारा ही घी, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरा घी खराब, आज तो घी बन ही नहीं रहा है। और मैं इसमें पानी डाले जा रही हूँ और झाग आए जा रहे हैं, चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए ये ऐसा हो गया है, बस ऐसे ही, बस ये झाग से बने जा रहे हैं, घी बिल्कुल भी नहीं बन रहा, ये भी झागी है, इस तरह से हो गया है। और मैंने पानी डाल डाल कर भिगोना फुल कर दिया है लेकिन घी बनने का नाम नहीं ले रहा, मैंने इतने सारा नुकसान कर लिया अपना, इतना सारा नुकसान हो गया मेरा, एक डोंगा मेरी मलाई थी शायद सारी खराब ना चली जाए अगर इसका घी ना बना, तो नुकसान तो है ही, कम से कम आधा किलो से थोड़ा ही बहुत कम घी निकलता है, इतना घी तो निकलता ही, और बहुत सारा नुकसान हो जाएगा इतने सारे घी का मेरा। आज पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, ये झाग ही बने जा रहे हैं, और मुझे इसमें लगे हुए हो गए होंगे काफी टाइम, 2 घंटे से मैं इसमें दिमाग मारे जा रही हूँ लेकिन घी नहीं बनना। अब बस मैंने ये रख दिया है, देखते हैं जो भी होगा, इसे रख दिया मैंने उठाकर, बनेगा तो ठीक है वरना नुकसान तो हो ही गया, बाद में देखूंगी अब इसका क्या करना है। क्या हो गया तेरी साइकिल में? बस इधर को ले का आगे को काबिया कहाँ पर हाँ, यहाँ को खड़ी कर, इधर को खड़ी कर ना, इधर को कर, इधर पेड़ के पास काबिया, दिखा तेरी साइकिल कैसी, तो तू जोड़ देना इसकी साइकिल की चैन, तुझ पे ना आती जोड़ दे ना, वो जोड़ दे, वो भी चला लेगी अपनी,
देखना कोशिश कर कर। वैसु मोनू नहीं है, तेरे चाचा नहीं है, पापा एबी, एबी भी नहीं है, तो आज कौन जोड़ेगा? टूट कैसे गई? कैसे उतर गई? चढ़ानी ना आती तुझसे? चढ़ानी ना आती? हाथ मत पकड़ लिए, गंदे हो जाएंगे हाथ, हट जा, नहीं चढ़ने के। एबी से जोड़वा लो, एबी जोड़ देगा। और कहाँ पे? स्कूल से नहीं आया क्या अभी? वो स्कूल गया था आज, स्कूल हाँ स्कूल ही गया था। हाँ बुला लो अभी, जब अभी आगा जोड़ देगा, रख दे उठा को अभी ऐसी, तेरे से ना जुड़ने की वैसू कोशिश कर रही है। और अभी मैं कर रही थी नीचे बच्चों से बातें, वैसू की साइकिल की चैन उतर गई थी तो वो दोनों लग रहे थे, तो मैंने उनकी दोनों की बना ली वीडियो। मुझसे बोल रहे थे कि साइकिल की चैन सही कर दो आप, मुझसे तो आती नहीं, मैं कैसे कर देती। तो फिर वैसू खुद ही करने लगी, वैसे उससे होगी नहीं अभी, उससे कहाँ आते हैं ये सब काम करने। और अभी मुझे करनी है शाम के खाने की तैयारी, आप बोलोगे कि अभी इतनी जल्दी, लेकिन आज मुझे उड़द बनाने, आज मुझे कहा गया कि आज हमें शाम के खाने में उड़द खाने हैं, उड़द चावल, तो मैं अभी उड़द बनने के लिए रखूँगी। तो उड़द तो बनने में टाइम लेते हैं, टाइम लगता है थोड़ा सा, तो बस मैं उन्हें बनने के लिए रख दूँगी, बनते रहेंगे धीरे धीरे। और आज काम थोड़ा जल्दी भी करना है क्योंकि आज रात को मेहंदी भी लगानी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अपना सारा काम कर लूँगी, फिर ज़्यादा लेट हो जाता है फिर। तो बस मैं अभी बनने के लिए उड़द रख दूँगी और फिर जो घर काम काम है उसमें लग जाऊँगी, जल्दी जल्दी से काम करना है आज मुझे। तो चलिए अभी मैं किचन में चलती हूँ, और घी आपने देख ही लिया है मेरा, पता नहीं उसका क्या होगा। बस अब मैं उड़द बनने के लिए रख देती हूँ। और अभी घी के जो ये डोंगा वोंगा सब पड़ा है, चिकनाई के जो बर्तन थे वो मैंने अभी साफ नहीं किए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, पहले थोड़ा सा करना पड़ेगा गर्म पानी, अब तो ठंड होने लगी है तो गर्म पानी से ये चीजें साफ होंगी, वरना ऐसे नहीं होंगी, चिकनाई लगी हुई है इनमें, तो थोड़ा सा पहले गर्म पानी कर लेती हूँ, उसी के बाद रखूंगी उड़द बनने के लिए। मैंने कुकर रख दिया है गैस पर पानी गर्म होने के लिए, और बिल्कुल साफ है, साफ ही करके रखती हूँ, जब भी मैं डब्बे में डाल के रखती हूँ साफ नहीं करने, बस और इधर मेरा जो मैंने ये घी वाले बर्तन साफ करने के लिए पानी रखा था ये भी गर्म हो गया है, तो पहले इन्हें साफ कर लेते हैं, उसके बाद उड़द डालूंगी, अच्छे से बाद में साफ करूंगी, बस अभी तो मैं इनकी चिकनाई ही साफ कर देती हूँ। डालकर मैंने अभी चिकनाई साफ कर दी है, सरफ से बाद में करूंगी, तब तक मैं
मैं धुल लूं क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। गरम हो गया है तो इसमें मैं और सब डाल देती हूँ। बस इसमें उबालते टाइम तो नमक ही डाला जाता है, हम तो ऐसे ही उड़द बनाते हैं भाई, नमक ही डालते हैं और कुछ नहीं डालते उड़दों में। और जो भी कुछ डालना है इसके बाद ही डालूंगी जब ये उबल जाएंगे। नमक भी डब्बे में थोड़ा सा ही रह गया है, अभी रखा हुआ है दूसरे डब्बे में, उसमें से मुझे इसमें डालना पड़ेगा। अब मैं बस बर्तन साफ करूंगी पहले। और मैंने ये अपनी चूड़ियां अभी पुरानी करके रख दी हैं, जो ये मैं कल कड़े लाई थी ये भी, और इसमें है मेरी रेड चूड़ियां ये भी, ये पहनकर पुरानी कर दी हैं। पुरानी किस लिए, ये देखिए ये रेड कलर की जो ये मेरी चूड़ियाँ, ये तो ये पुरानी कैसे की है, मतलब हाथों में डालकर और इन्हें थोड़ा सा पानी में भिगोकर और निकाल के रख दिया है, क्योंकि कल है बुधवार और हमारे यहाँ बुधवार के दिन न्यू चूड़ी नहीं पहनते हैं। चाहे किसी की शादी भी होती है तब भी न्यू चूड़ी नहीं पहनी जाती है, वो भी ऐसे ही हाथों में एक दिन पहले पहनकर उन्हें थोड़ा सा पानी में भिगोकर उन्हें पुरानी कर लेते हैं तब पहनते हैं। तो इसीलिए मैंने भी इन्हें हाथों में पहनकर थोड़ा सा पानी में भिगोकर पुरानी कर लिया है। अब बस हम इन्हें कल पहन सकते हैं, अब ये न्यू नहीं रही, पुरानी हो गई हैं, ये माना जाएगा पुरानी हो गई है। पुरानी तो पहन लेते हैं लेकिन बिल्कुल न्यू, जैसे दुकान पर से खरीद कर और तुरंत आकर पहन लेते हैं, ऐसी चूड़ी नहीं पहनते, उन्हें पुरानी करके ही पहना जाता है। तो अब ये हो गए हैं पुरानी, और मेरे उड़द बन चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं उड़द। तो बस अभी मुझे चावल बनाने, चावल बनाऊंगी तभी जब ये आ जाएंगे, उससे थोड़ी देर पहले बस बनने के लिए रख दूंगी। चावल तो गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, उड़द तो दोबारा भी गर्म हो जाएंगे अगर ठंडे हो गए तब तक। और चलिए अब मैं अपनी वीडियो का इसका यहीं पर कर लेती हूँ एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।